जय हिंद दोस्तों, जय माकल। मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह, स्वागत है आपका क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में। दोस्तों, आज क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में आपसे जानकारी साझा करेंगे हम कि जिनके शोल्डर्स फ्रोजन रहते हैं, जमा हुए एकदम अखड़ जाते हैं, उनको 3-4 इंच भी हाथ उठाना मुश्किल रहता, उनके लिए क्या अभ्यास रहेंगे। तो कुछ बेसिक अभ्यास मैं आपके लिए लाया हूँ, जो कि आपको पहले आपके हाथ ही से करना है, आहिस्ता आहिस्ता वजन उठा के उसके बाद आपको करना है मुदगर। देखिए दोस्तों, मुदगर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कमर की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को और आपके कंधे को, आपके टोनी को, आपके कलाई को बहुत मजबूती प्रदान करती है। इससे आपको फ़ायदा ही होना है, नुकसान तो आज तक हम देखे नहीं किसी को। ओल्ड एज वालों को भी हम इससे फ़ायदा ही देखे, किसी को कम वजन से। ज़्यादातर मैं कम ही वजन प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि जो काम स्विंग कर सकती है वो काम सबल नहीं कर सकता, ठीक है। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए, यानी जिनका शोल्डर जमा हुआ है, उनके लिए शुरू में अभ्यास सबसे पहले लीजिए वो 1-2 से 3 दिन तक तो पान का तेल। पान का तेल लेकर अपने ये 4 उंगल में लगाना, 4 उंगल में लगा के, अगर राइट में है तो आपको लेफ्ट का हाथ इस्तेमाल करके उसको ट्रीट करना है, लेफ्ट में है तो उसको राइट हैंड में अप्लाई ऑयल करके उसको इस्तेमाल करना है। कुछ इस प्रकार से आप जहाँ पर आपको शोल्डर में प्रॉब्लम है वहाँ पर आपका अंगूठा आपके बगल के नीचे दबा के उस हिस्से को कुछ इस प्रकार से कीजिए, ये आपको सपोर्ट देगा शोल्डर को। आपका अंगूठा अगर इस हिस्से में पेन है तो कुछ इस प्रकार से उसको फ्री कर दीजिए, क्योंकि वो जाम है, आप एकदम ऐसा उठाने जाएंगे वो नहीं उठेगा। तो उसको कुछ दिन तक, यानी 1-2 से 3 दिन पहले कुछ पान का तेल लगाकर आराम से मालिश कीजिए। जल्दबाजी आपका भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। सेकंड हो गया सेम अभ्यास, हाथ बगल में, अंगूठा बगल में लगाने के बाद उसको ऐसे ऐसे इतना इतना उठाइए, या इस प्रकार से रख लीजिए आपका हाथ सपोर्ट के लिए, या तौलिया भी रख सकते हैं। अगला अभ्यास दोस्तों आपको करना है सिर्फ बैठे बैठे ही, आपके आराम से ऐसा कंधे उठाना है आपको और आराम से छोड़ना है। ध्यान रखिए इसके अंदर आपकी गर्दन ऐसा नीचे झुक के नहीं जाना, ऐसा कि आप ऐसा रख के ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं उठाना। बहुत ही आराम से आपके दोनों कंधे आपको बैठे ही जगह पे इस प्रकार से उठाना है, छोड़ना है, उठाना है। यहाँ पर रोकना है आपको कम से कम 10 सेकंड, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको, कम से कम 10 सेकंड यहाँ पर आपको होल्ड करना है, फिर वापस से लाना है। आइए बढ़ते अगले अभ्यास की ओर। अगले अभ्यास में भी सेम, लेकिन आपको आपके दोनों हथेलियों को इस प्रकार से बंद करके ऐसे घुमाना है, आगे की ओर गोलाकार करते हुए, सर्कल बनाते हुए। जितना आराम से करेंगे उतना जल्दी आपको इफेक्ट मिलेगा, जल्दबाजी नहीं करना, एकदम आराम से, साथ ही साथ पीछे। दस बार आगे की ओर गोलाकार, 10 बार पीछे की ओर गोलाकार। उसके बाद दोस्तों आपके कुछ इस प्रकार से उंगलियों को पकड़ना है, जितना भी आपका शोल्डर ऊपर की ओर बढ़ता है उसे बढ़ने देना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ तक आ रहा, बस यहाँ तक रोक दीजिए, पहले दिन रोक दीजिए, दूसरे दिन यहाँ तक जा रहा, यहाँ से थोड़ा पेन आपको स्टार्ट हो रहा, समझिए यहाँ से आपको थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो रहा, जहाँ से चालू हो रहा वहाँ से 10% तक आपको आपका हाथ ऊपर ले आना है। जहाँ से आपको दर्द चालू हो रहा वहाँ से 10% हाथ ऊपर ले आना है, रोकना है। ऐसा रोकिए, या तो किसी का सपोर्ट लेके, या तो खुद के हाथ से रोकिए। रोकने के बाद आपका यह हाथ हटाना है और देखना है नहीं कितनी देर रुक रहा। पहले दिन 3 से 5 सेकेंड बस, उसके बाद इसको आराम दे दीजिए। फिर दूसरी बार उठाइए, छोड़िए 3 से 5 सेकंड गिनिए, बस ज़्यादा नहीं, उसके बाद उसको आराम से कर दीजिए। तो इस प्रकार का अभ्यास। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास रहेगा आपके दोनों हाथ, जिस प्रकार आपने इस प्रकार से जॉइंट करके अपने कंधा उठाया था, गोल घुमाया था, सेम उसी प्रकार आपको अपना हाथ जॉइंट रख के जितना हो सकता है आपका हाथ, जितना यहाँ तक आ रहा तो यहाँ तक इसको उठाने के बाद में होल्ड करिए दोनों हाथों से 5 से 10 सेकंड, या उससे भी अगर कम जा रहा टाइम तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा आपका टाइम बढ़ जाएगा। नीचे, ऊपर,
नीचे, ऐसा कम से कम आपको 10 से 20 बार, जिनको ज़्यादा तकलीफ हो 5 से 10 बार भी कर सकते। अगला अभ्यास, उठाने के बाद में इसको आपको साइड में ले जाना है, ये होल्ड करिए, उठाइए, रोकिए, साइड में ले आइए, होल्ड करिए। ध्यान रखिए आपका टोनी ऐसा नहीं रहना, आपका टोनी ऐसा रहना, शोल्डर का लेवल इन्हें ऐसा नहीं जाना, ये ऐसा गए तो बेकार है, इसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसको ऐसा ही रखना। ये एक बार साइड से देखिए आप, ये देखिए कंधे के लेवल पे, तो वज़न मेरा पूरा हाथ का कंधे पे गिर रहा, यहाँ के लिगमेंट टेंडन जो भी आपको डैमेज हुआ या जो भी कारण से आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ, उसको ताकत मिलना शुरू हो जाएंगी। पहले के अभ्यासों में अपन जाने थे कि उसको ढीला कैसा करना है, और जितना हो सके उतना पान का तेल लगा दीजिए, जिससे कि आपको सूजन कम होगी और आपके अंदर के टेंडन्स, मसल्स, लिगमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता फ्री होना चालू हो जाएंगे। तो ये बॉडी एक्सरसाइज बताया आपको मैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं बॉडी एक्सरसाइज बताया, कल मैं आपको बताऊंगा कि मुदगढ़ से फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइज का कैसा अभ्यास किया जाता है, क्षत्रिय पंडा में इसका क्या अभ्यास। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी कमज़ोर नहीं रहना, हर कोई निरोगी रहना। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल।